ये चटनी तैयार होगी और इसमें इसमें हम राइस तैयार करेंगे। सिंगापुर राइस का इसमें ऐड होते हैं स्पेक्टी में। और इसी के साथ पहले हम चिकन मिक्स करेंगे और चिकन और मिक्स करेंगे इसमें मोर, और फिर इसके बाद हम इसमें इसको फ्लेम को ऑफ करें। कैरेट और शिमला मिर्च इसमें ऐड किया और इसके बाद हमने फिर काली मिर्च ऐड की। अब ये हमारे सिंगापुर राइस तैयार हो गई। सिंगापुर वेजिटेरियन राइस तैयार है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और फिर पेश करेंगे। सिंगापुर राइस हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। निकाल लेते हैं इसमें ये हमारे राइस तैयार हो गए। सिंगापुर वेजिटेरियन राइस तैयार है। आप इस को ट्राई करते हैं थोड़ी देर। सिंगापुर राइस हम ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ सॉस बनाइए, ये खुद तैयार की गई है। वाइट सॉस है, केचप है, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम 3-4 सॉस की रेसिपी बताऊंगी। और आपको उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखवा दिया आपको। सिंगापुर राइस वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। और दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैंने खुद बनाई है, वेरी टेस्टी, और उम्मीद है आप भी इसी तरह बनाएंगे। और राइस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको मैं वेजिटेरियंस आपको सूप बताऊंगी, थाई सूप। इसी तरह बनाएंगे।